हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो देखो, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रिक सीखने वाले हैं, जहां पे मैं आप लोगों को दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा और साथ ही में इसका कुछ कुछ स्पेशल केसेस बनता है, ठीक है, जिससे क्या होता है क्वेश्चन और भी बहुत आसान हो जाता है, वो सारा भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहोगे, यहाँ पे कुछ दो डिजिट नंबर्स लिखा है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो ये नॉर्मली क्या होता है, अगर हमको 23 इंटू 51 करना होता है, 23 इंटू 51, तो हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमने सीखा है। क्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 3 से क्या हो जाता है 12, 1 कैरी ले लेते हैं, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 प्लस 1 क्या हो जाता है 9, फिर यहाँ पे क्रॉस करते हो, 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, और फिर आप इसको लिख ले हो, ये हो गया 2, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 1 2 4 2, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको देखो, ये जितना ज़्यादा लाइन आपको लिखना नहीं एग्जाम में, एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, जितना आप लोग कम लिखोगे, जितना लिखना कम होगा उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होगा फास्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा यही सीखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है इसको कम लिख के हम लोग ज़्यादा कैसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, इसका तरीका, एक तरीका ऐसे भी बहुत लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको देखो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब वर्टिकली आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे इन दोनों को। सेकंड आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का करना है और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब ऐसे करना है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो, अगर इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 के लिए क्या लिख देंगे 2, 1 क्या होगा मेरा कैरी आएगा, उसके बाद ये क्रॉस, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होगा 23, 23 और एक ये 1 मिला कितना हो गया 24, 4 आया 2 कैरी हो गया, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो यहां से भी क्या मिल गया मेरे को, आंसर क्या आ गया 1 2 4 2। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अभी ये जो तरीका है इसी को हम लोग देखो, नॉर्मली जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, पेपर में जो मिलेगा कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मिला हो मिलेगा। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज आपको सीखना और उसको ही याद रखना है, क्योंकि वही आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा दो डिजिट का मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो देखो, हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये देखो, यूनिट वाला तो मल्टीप्लाई कर ही लेना है, जैसे ये 3 4 जा कितना हो गया 12, तो आप यहाँ पे 2 लिख लिए, 1 क्या हो रहा है कैरी हो रहा है, इसको आप याद रखना। उसके बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से याद रखना कि ये भीतर वाले को भीतर वाले से मल्टीप्लाई करना है और ये बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, भीतर वाले का भीतर वाले से और ये बाहर वाले का बाहर वाले से, और इन दोनों को मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और 2 4 जा कितना हो गया 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, और ये एक 1 कैरी था तो कितना हो गया ये 24, फिर से 2 क्या हो गया कैरी आ गया, और उसके बाद फिर वही लास्ट वाले का मल्टीप्लाई 2 और 5, 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसी को मैं देखो और दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको दो चार क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो जैसे मान लो इन दोनों का भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो गया देखो, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 10, मतलब 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 कैरी हो गया। अभी भीतर वाले का भीतर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर वाले का बाहर वाले से, और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा देखो, 5 6 या 30 होगा, और 3 2 या कितना होगा 6, तो 30 प्लस 6 कितना हो गया 36, और यहाँ पे एक 1 क्या था कैरी था, तो कितना हो जाएगा ये 37, यहाँ पे 3 आ गया, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले का मतलब ये 3 और ये 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, तो इसका आंसर क्या हो गया 2170, ठीक है। शुरू शुरू में देखो आप करोगे तो आपको हो सकता है कि लगे कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे ना कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स बच रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 9 और 1 मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले से, तो ये कितना, और इसको क्या करना है प्लस, तो 9 7 जा कितना होता है 63 होता है, और 5 1 जा क्या होता है 5, 63 प्लस 5 कितना हो गया 68,
सिक्स क्या हो गया आपका, कैरी हो गया, ठीक है। और फिर फाइव का सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 35, 35 प्लस 6 कितना होता है 41, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4189, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन से मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ स्पेशल केसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप लोग और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, 8 2 जा कितना हो गया 16, 1 क्या हो गया कैरी हो गया। इसके बाद आप ये अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले का बाहर वाले से, और दोनों को क्या करोगे ऐड, तो 8 2 जा कितना हो गया 16, और ये 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, और ये 1 यहाँ पे कैरी था तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, फिर से क्या हो गया 1 कैरी हो गया, और ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 396, ठीक है। ये और लास्ट एक करते हैं, इसके बाद स्पेशल केसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, अंदर वाले का अंदर वाले से, बाहर वाले का बाहर वाले से, और दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, कुछ कैरी नहीं था तो 20 के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 क्या हो गया मेरा कैरी हो गया, और ये 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1402। तो इस तरीके से देखो कितना जल्दी हो जा रहा है, वही हमको लिख के ऐड नहीं करना है, थोड़ा धीरे धीरे अपने माइंड को जब हम लोग ट्रेन करेंगे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और धीरे धीरे अपने माइंड को प्रेशर दे रहे हो कि उसके साथ ही क्या कर ले, वो ऐड कर ले, तो जब आप प्रैक्टिस में ये ज़्यादा करोगे ना तो देखो कि एग्जाम में भी बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसका कुछ स्पेशल केसेस दिखा रहा हूँ, ये दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अभी आप लोग जैसे मैंने तरीका बताया उससे आप इसको जल्दी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जैसे देखो आपको एक चीज़ पता है कि 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वो 10 आता है, और किसी भी नंबर को अगर आपको ये मैं बोलूँ कि 10 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें क्या, जैसे मान लो अगर मुझे कोई बोलेगा कि 23 को 10 से मल्टीप्लाई करना, बहुत ही आसान है, 23 के बाद क्या करेंगे, लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, तो क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, देखो जैसे इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन से, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। जैसे मान लो ये 32 है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये जो मेरे पास 15 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं लिखना है इसको। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 15 को 5 इंटू 3। अभी आप ध्यान से देखो तो ये 5 इंटू 2 ये मिलके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और किसी नंबर को आपको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करना है, लास्ट में एक जीरो बैठा देना है, मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जस्ट करना था 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आता है मेरा 480 आता। अभी इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे, तो आप क्या देखोगे, जैसे मान लो ये दो नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम लोग, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये नंबर जो है इसके पास 2 है, 2 से काट लेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया, और ये नंबर के पास क्या है मेरे पास 5 है, तो 5 से काट लेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ से मैंने 2 निकाला और यहाँ से 5 निकाला, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब सिंपली क्या करेंगे लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, और अभी आपका मल्टीप्लीकेशन क्या है 16 थ्रीजा क्या होता है 48, तो इसका आंसर क्या हो गया 480 हो गया। तो इस तरीके से देखो थोड़ा सा हटाने के बाद कैलकुलेशन कितना जल्दी हो गया, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 2 से कट रहा है तो 2 निकाल दिए, यहाँ से कितना हो गया 21, और यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि 5 निकाल सकते तो कितना हो गया, ये 5 से काटोगे क्या मिलेगा 7, और यहाँ से 2 और 5 निकालने की वजह से क्या हो गया लास्ट में क्या मिल जाएगा मुझे सिंपली 0 मिल जाएगा। अभी देखो ये सिंगल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 21 का 7 टाइम्स करना है तो 21 का 7 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा ये 147, तो इसका आंसर कितना हो गया 1470। सिंपली अगर देखो दो नंबर निकालने के बाद ही एक डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो आपके लिए मेंटल कैलकुलेशन का काम कर देगा। जैसे मान लो इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 2 निकाला मैंने कितना हो गया 22, और यहाँ से 5 निकाला तो कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अभी ये 2 और 5 मिलकर क्या होगा लास्ट में एक जीरो बना देगा, ठीक है, और अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक वीडियो मैंने ये भी बताया था कि किसी भी नंबर को 9 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो देख लो, वहाँ से आपको ये मल्टीप्लाई करना भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, और नहीं तो नॉर्मली कर लेते हैं आप लोग के लिए। तो ये देखो 9 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 18, और 9 का 2 टाइम्स 18 प्लस 1 19, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1980। इस तरीके से देखो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे, देखो सिंप्लीफिकेशन जो एग्जाम में पूछता है उसका मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करो,
अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई नहीं करके कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, तो इसलिए आपको ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। और भी एक दो क्वेश्चन से मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से मैं 2 निकाल सकता हूँ, 2 निकालोगे तो कितना हो गया 42, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो 5, तो ये कितना हो गया 11, और 2 और 5 दोनों को मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अभी सिंपली मुझे 42 को देखो 11 से मल्टीप्लाई करना, बहुत ही आसान है। 11 का 2 टाइम्स 22, और 11 का 4 टाइम्स 44 प्लस 2 कितना हो गया 46, तो इसका आंसर क्या हो गया 4620, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं, इसमें से 2 निकाल सकते हो कितना हो जाएगा ये 47 हो जाएगा, और इसमें से 5 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23, और यहाँ से 2 और 5 के लिए क्या मिल गया, यहाँ पे एक 0 मिल गया। अभी देखो ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिए, 7 3 का कितना हो गया 21, तो यहाँ पे क्या आया 1 2 कैरी हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, भीतर वाले का भीतर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले से, और दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 7 2 14 और 4 3 12, 14 प्लस 12 कितना होता है 26, 26 और 2 मिलके कितना हो गया 28 हो गया, फिर से 2 क्या हो गया कैरी हो गया, और 4 प्लस 4 × 2 कितना हो गया 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 10810। तो देखो आपने क्या किया, पहले ये बड़ा मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद 2 डिजिट वाला भी आपको पता है मल्टीप्लाई करना, तो उसके हेल्प से क्या कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसा कि हमने देखा 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा, उसके साथ उसका कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे 5 और 2 को कैसे हम लोग इलिमिनेट करके कैलकुलेशन को सॉर्ट कर रहे हैं वो आप सीख गए हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, ये एज ए वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का वीडियो छोटा होने से क्या होगा, आप एक दो बार देख लोगे उसको फटाफट तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा इसका और भी एक स्पेशल केसेस जहाँ पे 25 से डिवाइड होने से हम लोग कैसे मेंटली कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ का भी थोड़ा सा और एप्लीकेशन है, उसको मैं क्या करूंगा नेक्स्ट पार्ट में बना के आपके लिए लेके आ जाऊंगा। फिर ये दोनों पार्ट देखने के बाद आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन साथ में जो स्पेशल केसेस होता है ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा।